तो अपने आप जिन श्रृंगार रस में अपने आप निकलता है। और ये जो स्थान है ये ब्रजमंडल का कौन सा स्थान है? अब पहले श्रवण कर रहे थे मुक्त वृंदावन, यहाँ आने पर वृंदावन परिक्रमा का अपने आप फल प्राप्त हो जाता है। यदि ये अभिन्न क्या है, यदि ये भाग्यवत है जहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ में गैया चराया करते थे, जहाँ पर कृष्ण गैया चराते चराते कभी गैया मुंजा कभी को अंदर में प्रवेश किया तो कंस का चरों ने जहाँ पर आग लगा दी, जहाँ पर कृष्ण अग्निपान किया था भाद्रीपद में, और वहीं पर ही राधा रानी को साथ में कृष्ण का मल्लक युद्ध हुआ था, और जहाँ पर श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर को मल्लक युद्ध क्रिया करते करते जहाँ पर उन्होंने उनको पछाड़ दिया था। इसलिए कभी ये भाद्रीपद आने का फल अपने आप यहाँ प्राप्त हो जाती है। हम लोग आते समय जन्मदीप होते हुए आए हैं, कुछ गुरुदेव कुछ अच्छी अच्छी बात बताया करते थे, आप लोगों ने तो बहुत पता सुने हैं, जो गुरुदेव जो थोड़ी बहुत बात बताते हैं हम कोशिश करके उसको बताते हैं। कहते आप लोगों ने श्रवण किया जिस समय सगर महाराज के 10,000 पुत्र जब सबके सब कपिल मुनि के अभिशाप से सबके सब भस्मीभूत हो गए, अभी इनको उद्धार करने के लिए इनको पूर्वजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उनको गंगा जी को किसी ने संतुष्ट नहीं कर पाए। अभी माधव महाराज बता रहे थे ना क्यों नहीं कर पाए, कारण है भगवान की जो भक्ति उन लोगों ने पूरा गृहस्थ धर्म करते हुए जब रिटायर लाइफ में गए सबके सब तपस्या करने के लिए, जब सारे एनर्जी संसार में खत्म हो गई इसीलिए गए तपस्या करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी तो सारे एनर्जी खत्म हो गई थी, फिर उन्होंने एनर्जी क्या करी, लेकिन इसे भगीरथ ने क्या की, उन्होंने देखा हमारे पूर्वज लोगों का अभिशाप ग्रस्त होकर के सुख कष्ट भोग कर रहे हैं और उन्हें सिंहासन में बैठी गई, तुम्हें कैसे विषय भोग करूं, पहले अपना पूर्वज को हमें उद्धार करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बचपन से ही उन्होंने संपूर्ण अपना एनर्जी को उन्होंने गंगा जी के ध्यान में लगा दी। इसलिए जब कोरे कागज हो ना उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, अगर कागज में जो लिख दे फिर उसको अंदर में क्या लिखोगे, अगर रील में जो पूरा पूरा भर जाए फिर उसमें क्या भरने का कुछ होता ही नहीं। इसलिए भगवान की जो भक्ति ये बचपन से ही प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरते प्राज्ञम, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको कौमार मतलब होता है उनको बचपन से ही प्रभु का भक्ति उनको शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गंगा जी को संतुष्ट कर दी, अभी गंगा संतुष्ट हो गई, अभी गंगा कह रही है मैं तो आऊंगी लेकिन मेरे पास में दो प्रॉब्लम है। मेरा पहला प्रॉब्लम क्या है, कहते मैं आऊंगी ब्रह्मलोक से, अभी मेरे तेज को कौन सहन करे, ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा जो है यहाँ आने पर बड़े बड़े पापी लोग गंगा में स्नान करेंगे, अभी ये पाप खबर में कहा क्या करूंगी। इसलिए भगीरथ ने कहा कोई चिंता नहीं, उन्होंने फिर श्री शंकर जी को आराधना की, शंकर जी जब आराधना की शंकर जी राजी हो गए, बोले ठीक है मैं गंगा को मैं धारण करूंगा, क्यों, बोले गंगा कौन है, बोले ये गंगा ये भगवान की चरणामृत ये गंगा है। इसलिए जब श्री गंगा जी ने सुना शंकर जी मेरे देव को धारण करेंगे, बोले मेरे देव को शंकर धारण करेंगे, बोले हाँ, बोले मैं इतने तेज से आऊंगी शंकर जी को भी मैं पाताल में प्रवेश करा दूंगी। इसलिए दूसरी जो प्रॉब्लम है कहते यहाँ पर जब आएंगी गंगा सब पापी लोग स्नान करेंगे फिर उनको पाप को कौन ग्रहण करेगा, बोले कोई चिंता नहीं, एक तो शंकर जी कौन है, ये वैष्णव नाम यथा संभो, वैष्णव में अग्रगण्य श्री शंकर जी, इसलिए उनको एक तो स्पर्श करके हुई आएगी। दूसरी बात है जब इसी जगत में बड़े बड़े कलयुग में बड़े बड़े महापुरुष लोग भी कलयुग में जन्म ग्रहण करेंगे, इसलिए जितना गंगा रे दर्शने पवित्र तुम्हारे को, इसलिए
वैष्णव लोग गंगा में स्नान करने पर कहीं पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव को दर्शन करने से मात्र से ही का कल्याण हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े वैष्णव लोग भी गंगा में स्नान करेंगे, फिर तो गंगा राजी हो गई। इसलिए जब गंगा आ रही थी, शंकर जी एकदम त्रिशूल लेकर खड़े हो गए, बोले गंगा को मैं धारण करूंगी। इतने में गंगा इतने तेज से आई, इतने तेज से आई, शंकर जी संपूर्ण अपना चटा को शंकर जी चला दिए, और गंगा आई तो सोच रहे थे शंकर जी को मैं पाताल में प्रवेश करा दूंगी, लेकिन गंगा उनकी चटा नहीं समा गई। इतने में भगीरथ ने गंगा गंगा पर आ गई, लेकिन कई कहा, इतने में देखा शंकर जी की जटा में ही गंगा संपूर्ण समा गई। फिर भगीरथ ने शंकर जी को प्रसन्न की, शंकर जी बोले भैया चरणामृत बड़े दूसरे को देते हैं, चरणामृत स्वयं ग्रहण करनी चाहिए। बोले नहीं, हमारे पूर्वज को उद्धार कैसे होगा। फिर शंकर जी जटा से थोड़ी सी गंगा दे दी, वही गंगा को भगीरथ ला शंख बजा तो बजाते आ रहे थे, जब यही पर से आई श्री गंगा जी ने देखा ये धाम क्या है, और ये धाम साधारण नहीं, यहाँ पर स्वयं कलयुग में श्री सच्चिदानंद करुण हरि यहीं पर अवतीर्ण होंगे, और अवतीर्ण होकर के संपूर्ण पृथ्वी को कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में विश्व ब्रह्मांड को बहाएंगे। इसलिए गंगा देवी यहाँ छोड़ना नहीं चाह रही है, और ये नवद्वीप धाम महाप्रभु का स्थान है। इसलिए गंगा ने क्या किया, कहना गंगा पूरा के पूरा चारी तरफ में घिरी हुई है, इसलिए उन्होंने ऐसे चारी तरफ में घिरी गंगा को, एक तो नवद्वीप धाम राधारानी के हृदय कुंज है, और ये गंगा ऐसे 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 महाप्रभु धाम में घेर करके जैसे मानो नौ दिन बन गया। इसलिए गंगा किसी तरह से महाप्रभु का धाम को छोड़ना नहीं चाह रही है। जब आ रही थी यही पर श्री कपिल मुनि भजन कर रहे थे, इतने में कलकलनाथ से जाते हुए, इतने में उनका जो कुछ आसन था कुछ बह गया, इतने में श्री जनमुद मुनि ने देखा गंगा देवी, तब उन्होंने जन्म उन्होंने संपूर्ण गंगा को उन्होंने बांध कर लिया। फिर जब थोड़ी दूर भगने कर लिया, भाई गंगा था गंगा है ही नहीं, फिर उन्होंने जन्म मुनि को फिर प्रार्थना की, फिर उन्होंने अपना जानू को फाड़ दिए, इसलिए फिर गंगा उनको जानू से निकली, इसलिए उनका और एक नाम हो गया जानू भी नाम पड़ा। इसलिए गंगा को लेकर उन्होंने गंगा सागर को लेते हुए उन्होंने गए। गुरुदेव यहाँ पर कुछ सुंदर सुंदर विचार बताया करते थे। गुरुदेव कहते थे ये जो गंगा और ये यमुना है इसमें कौन श्रेष्ठ है, और ये गंगा के कितने महत्व, गुरुदेव को कथा सुनाया करते थे, एक भूत की कथा सुनाया करते थे और एक बैल की कथा सुनाया करते थे। माधव तीर्थ मार्ग बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बोले एक समय एक कोई तांत्रिक था वो जा रहा था, उन्होंने देखा कि भूतों का शादी हो रही है, खुद बैंड पार्टी बजा बज रही है और उत्सव हो रहा है। तो जो तांत्रिक था एक भूत को बुला लिख रहा हो, बोले आज तुम्हारी ये उत्सव क्यों हो रही है, बोले कल हमारी एक बेटी है उसकी कल शादी होगी, इसलिए आज हम लोग उत्सव कर रहे हैं। बोले कैसे शादी होगी, बोले दो सांड को अंदर में लड़ाई होगी, और एक जवान व्यक्ति दो सांड को उन्हें छुड़ाने के लिए जाएगा, और इतने में दो सांड पर क्रोध में रहेंगे और उसको मारेंगे, से जो मरेगा अपमृत्यु होगी, इसलिए कल हमारी जो बेटी उसको साथ में शादी होगी। दूसरे दिन जब वो आ रहा था, देखा फिर भूत लोग बैठ करके वहां पर रो रहे थे, बोले भैया कल तब तुम लोग बैंड पार्टी बजा बजा करके बड़ा उत्सव कर रहे थे, आज यहाँ रो रहे हैं क्यों, बोले बहुत बड़े का अनहोनी हो गया। बोले क्या अनहोनी हो गई, बोले दोनों सार में जब लड़ाई हो रही थी, अब देखना सार का सींग में जब खुजली मचे, वो क्या कहते सींग से मिट्टी को कुतरते हैं, और उसका सींग में लगा हुआ था क्या, बोले गंगा की रज लगी हुई थी। जब उसने वो जवान व्यक्ति को मारे, मरते समय वो गंगा का जो रज था जो धूल था वो व्यक्ति को स्पर्श कर गया, स्पर्श कर गया तो वो भूत क्या बनेगा, उसने कहा कहाँ चला गया, तो वैकुंठ लोक चला गया। तो श्री गंगा महारानी की, इसलिए ये अनहोनी। गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव ये दूसरी कथा गुरुदेव सुनाया करते थे। तो एक समय एक सर्प को गंगा किनारा में एक बील को ऊपर से अपना मुंह निकाल करके बैठा था सर्प, और इतने में करुण ने देखा, और गर्व का आहार होता है सर्प, उन्होंने पंजा मार करके जब सर्प को पकड़ कर खींच रहा था, जिस समय उसको प्राण निकली
उसी समय में उसकी जो पूंछ लग गया गंगा पानी में, पूंछ लगते ही उस सर्प को खाएगा क्या गरुड़, इसलिए उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। विष्णु कैकंड चतुर्भुज बन गया। अभी गरुड़ उसको खाएगा क्या, उसको पीठ के ऊपर बैठा करके उन्होंने उनको वैकुंठ ले जाना पड़ा। गरुड़ ब्रह्मानंदे हरे हरे। इसलिए गुरुदेव और एक विचार बताया करते थे। गुरुदेव कहते थे एक समय जो गंगा किनारा में जो रहने वाले व्यक्ति एक समय गंगा की बड़ी महिमा बताए। एक और जमुना कुल में जो रहते थे वो लोग जमुना की बड़ी महिमा कहा करते थे। सचमुच से दोनों की महिमा किसी काम नहीं। एक दिन ये अकबर का दरबार में जो गंगा के किनारे में रहने वाले जो जमुना किनारे में रहने वाले एक दिन अकबर दरबार में आए। फिर आप बताओ गंगा बड़ी ना जमुना बड़ी। अभी राजा को बड़े समस्या में पड़े थे। गंगा के भी महिमा कम नहीं और जमुना की महिमा कम नहीं, दोनों दृष्टिकोण से जो नहीं श्रेष्ठ है। अभी उसको विचार कौन करेगा। बोले वृंदावन में एक साधु है जिसका नाम श्री जीव गोस्वामी। इसी समय में संपूर्ण दुनिया में सबसे बड़ी ये विद्वान है, उनको बुलाया जाए। तो उनको जब बुलाया गया अकबर के दरबार में, अभी छत्ते सब लोग बैठे होंगे गंगा किनारे में जमुना किनारे में, उन्होंने अद्भुत उन्होंने विचार किया। बोले देखो ये गंगा कौन है। बोले ये गंगा है ये बामन देवता चरणा करता। जिस समय भगवान बामन देवता एक चरण मोहन तपस्तलोक में पहुंचा, पितामह ब्रह्मा ने इनके चरण को अभिषेक करते हुए कमंडल में रखे, वही हो गए पतित पावन गंगा है। मतलब और जमुना कौन है। बोले जमुना की दो तीन स्वरूप है। एक स्वरूप तो ये स्वयं श्री कृष्ण का पटरानी जब जाती है मथुरा में, जब ब्रज में रहती है तब ये जमुना कृष्ण की सखी है, ये विशाखा सखी है। कहते एक है पटरानी कृष्ण के और एक कौन है जो कृष्ण का जो अंश के अंश से जो अंश है कौन श्री बामन देवता ये चरणामृत है। चरणामृत मतलब एक दासी और एक घर की रानी। तुम दोनों बताओ घर की रानी सर्वश्रेष्ठ ना घर की दासी सर्वश्रेष्ठ, बताओ कौन सर्वश्रेष्ठ है। कौन है श्रेष्ठ रानी। इसलिए श्री बराह पुराण में एक श्लोक है वहां पर बताए। बोले गंगा की जितने महिमा है, गंगा की कितने महिमा, लेकिन जो जमुना की उससे 100 गुण ज्यादा महिमा महिमा श्री जमुना नदी की, गंगा की से 100 गुण ज्यादा महिमा ये गंगा जमुना देवी की। लेकिन जिस समय हम लोग कल गए हुए थे गंगा सागर में, वहां पर एक दिन ये गंगा जमुना को कह रही, बोले जमुने तुम्हारे तो बड़ा सौभाग्य है क्योंकि कृष्ण वृंदावन में जल विहार करते हैं, जल क्रीड़ा करते तुम तो कृष्ण के पटरानी कृष्ण ने सखी भी, लेकिन मैं तो बड़ी दुर्भाग्य हूँ। बोले चिंता मत क्या करो, वही कृष्ण ही कलयुग में राधा जी के भाव और अंगदान से लेकर के श्री नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होंगे और तुम्हें भी जल विहार करेंगे। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बड़े सुंदर वर्णना करते हैं, जब श्री महाप्रभु सखाओं के साथ में जल क्रीड़ा करते हैं उसी समय स्वयं गंगा देवी महाप्रभु को तरंग के माध्यम से तरह तरह से उनको सेवा करती हैं। इसलिए पहले तो जमुना श्रेष्ठ थी, लेकिन जब महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में अवतीर्ण हुए, जब उन्होंने श्री गंगा जी में जल विहार किए हैं, ये भी महाप्रभु की कृष्ण की एक सखी बनी गई। इसलिए दोनों दृष्टिकोण से ये गंगा का महिमा भी कम नहीं और जमुना की महिमा भी कम नहीं। इसलिए हम लोग आज गुरु वैष्णव के अनुगत में यहाँ पर आए हैं मधुद्वीप धाम है, इसलिए यहाँ के प्रणाम करके और अभी हम लोग थोड़ी समय एक होली का कीर्तन करेंगे। यहीं पर होली कीर्तन करते थे, फिर होली का कीर्तन करके फिर हम लोग प्रसाद लेकर के सबके सब सीधा जाकर के बस में बैठ जाइएगा और जो लेट करेगा ना फिर हम बस छोड़ देंगे। ठीक है हरे कृष्ण। बोले होली के रसिया की हरे कृष्ण।